बेलापुर के युवा कांग्रेस नेता सुधीर पाटिल ने आज असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में प्रवेश कर लिया। विधायक मंदाताई मात्रे ने सुधीर पाटिल और उनके समर्थकों को बीजेपी का झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। सुधीर पाटिल ने कहा कि वे कांग्रेस में लंबे समय से उपेक्षित थे और विधायक मंदाताई के सक्षम नेतृत्व और उनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का निर्णय लिया। देखिए रिपोर्ट। बेलापुर के युवा कांग्रेस नेता सुधीर पाटिल ने आज असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में प्रवेश कर लिया। विधायक मंदाताई मात्रे ने सुधीर पाटिल और उनके समर्थकों को बीजेपी का झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। यहां बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। विधायक मंदाताई मात्रे ने सुधीर पाटिल को एक सक्षम युवा कार्यकर्ता बताते हुए विश्वास जताया कि ऐसे युवाओं के आने से बीजेपी नई मुंबई में और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि देश में पीएम नरेंद्र मोदी और राज्य में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी लगातार सफलता हासिल कर रही है और आने वाले समय में और भी मजबूती के साथ उभरेगी। ऐसे कि कांग्रेस पार्टी के सचिव हमारे हमारे युवा जो सुधीर गौरवनाथ पाटिल यहाँ पर रहते हैं अग्रोली गांव में, उनके सभी युवा जो दोस्त हैं, उनके कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, उनको लेकर आज वो भाजपा पार्टी में उन्होंने पक्ष प्रवेश किया है, भारतीय जनता पार्टी में। और बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और यहाँ पर हमारे देवेंद्र भाई फडणवीस, इनके नेतृत्व में देश में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का, आपने देखा गोवा में भी अभी हमारी सत्ता आ गई, तो महाराष्ट्र में आज न तो कल तो सत्ता आ ही सकती है। मगर पार्टी मजबूत होना और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूत होना, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज सुधीर पाटिल ने पक्ष प्रवेश करके उनके कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, उनको न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा समुद्र जैसी पार्टी है, नेशनल लेवल पर पार्टी है और इसके अंदर हर कार्यकर्ता का मान सम्मान किया जाता है और हम जरूरी उनका मान सम्मान करेंगे। वहीं गुड़ी पाड़वा के दिन कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थामने वाले सुधीर पाटिल ने कहा कि वे 17 सालों तक कांग्रेस के सक्रिय सिपाही रहे, लेकिन हर समय उनकी उपेक्षा हुई। सुधीर पाटिल ने कहा कि बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे के सक्षम नेतृत्व और उनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर ही उन्होंने बीजेपी का झंडा थामने का निर्णय लिया। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्टी छोड़ने का कारण यह है कि आज आप देख रहे हैं कि नई मुंबई में आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। इसका कारण एक ही है कि नेतृत्व। आपके पास अगर सक्षम नेतृत्व नहीं होगा तो पार्टी की हालत होनी है। हर एक नेता अपना अपना सोच के चल रहा है, अपना अपना हित देख के चल रहा है। आज कार्यकर्ता कहाँ है? आज आप देखोगे कि हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता महाराष्ट्र लेवल में भाग रहा है, आज बड़े बड़े पद लेकर है, लेकिन गली में कोई काम नहीं करने के लिए तैयार। आज देख रहे हैं पूरे काम, जो भी महानगर पालिका में काम है या लोगों का सोसाइटी का काम है, आज आप देख रहे हैं कि पड़े बड़े बड़े पद पे है लेकिन उनको सोसाइटी में कोई पहचानता नहीं है। ये स्थिति कांग्रेस की है। कोई ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करने के लिए तैयार, जो भी है ऊपर से आ रहे। 17 साल से राजकारण में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ताई की जो लोगों के प्रति भावना है, काम करने की जो भावना है वो तीव्र है। लोगों की समस्या वो जानती है, उनको न्याय देने के लिए वो हमेशा प्रयास करती है। उनसे प्रेरित होकर मैं उनके साथ में आया हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।